तो इधर आप लोगों ने देखा हर तरह के इधर बटरफ्लाई, और अभी काफ़ी दूर चलने के बाद ऐसा ही रास्ता आप लोग पीछे देख सकते हैं, ऐसा ही रास्ता मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए, और हर तरह के दोनों तरफ आने जाने के लिए रास्ते भी, जो कि आप लोग जा सकते हैं और चल भी सकते हैं। तो यहाँ से हम सीधे चलते हैं और सीधे जाने के बाद आप लोगों को काफ़ी अच्छी लोकेशन और दिलाएंगे। आ गया गेट, आगे एक गेट से निकलते हैं और दूसरी गेट पर चलते हैं, यहाँ से घूमते घूमते फिर वहाँ पर जाने बाद आगे दिखलाते हैं कि आगे का जो हमारा ये सीन है कैसा है। और बहुत से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, देखिए कौन कौन से इधर बटरफ्लाई रहते हैं, फ़ोटो के माध्यम से दिखलाते हैं। इधर आप लोग देख ही सकते हैं बटरफ्लाई कितने प्रकार की हैं। पिछले वीडियो में इस बटरफ्लाई के जंगल से हम लोग निकले हैं, तो इधर कई तरह के बटरफ्लाई देखने को मिली है। यहाँ से आगे निकलने के बाद चलते हैं दूसरी तरफ, जो कि दूसरी तरफ देखने को मिलेगा। ये जंगल से निकलेंगे हम, चलते हैं आगे, आगे कितना दूरी तक है फिर आगे जाने के बाद आप लोगों को दिखलाते हैं कि कैसा रहा हमारा ये बटरफ्लाई। तो कई तरह के इधर आप लोगों को तितली का चित्र मैं दिखलाया, जो कि आप लोग फोटो भी देख सकते हैं। तो जैसे आप लोग अंदर आएंगे तो एक लेफ्ट साइड का रास्ता मिलेगा, वहाँ से आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को केवल बटरफ्लाई पार्क आ जाएगा, तो उधर केवल बटरफ्लाई आप लोगों को देखने को मिलेगी। और वहाँ से भी ये रास्ता इधर पीछे देखते हैं, ये भी जाता है अंदर बटरफ्लाई पार्क के पास, और उधर जाएंगे तो आप लोग केवल देखेंगे बटरफ्लाई पार्क है। तो चलिए, और यहाँ पर भी कई तरह के आप लोग को जानवर मिल जाएंगे देखने के लिए, जो आप लोग देख ही सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है और काफ़ी खूबसूरत भी। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैदल चलने के बाद भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इधर भी, और काफ़ी अच्छा भी। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे जाने वाले आप लोग को दिखाएंगे उधर का सीन, और पीछे भी आप लोग काफ़ी अच्छा नज़ारा देख ही सकते हैं। और चलिए चलते हैं, यहाँ से कितना दूरी और चलना है, क्योंकि पैदल अभी काफ़ी दूर चलने के बाद से अच्छी लोकेशन मिलती है। चलिए दिखलाते हैं। बटरफ्लाई पार्क को देखने के बाद जैसे ही हम लोग आगे आते हैं, आगे इस जंगल में, तो यहाँ पर बोटिंग का भी सिस्टम है। तो आप लोग देख सकते हैं लोकेशन के हिसाब से आप लोग कहाँ पर हैं, क्योंकि लोकेशन यहाँ पर दिखाया गया है हर जगह जहाँ पर आप लोग जाते हैं, और हर जगह लोकेशन आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि आप लोग किस लोकेशन पर हैं। और ये देखिए कितना बड़ा और कितना पुराना पेड़ बरगद का, और इस तरफ फॉरेस्ट ऑफिसर का ऑफिस है, इधर जाना मना है। तो आगे चलते हैं, इस रास्ते से आगे गए थे उधर, यहाँ पर चारों तरफ देख सकते हैं, इस रास्ते से भी दूसरी तरफ चलते हैं, उधर क्या है क्या मिलता है चलिए वो भी दिखलाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ से आने के बाद आप चलते हैं, क्योंकि पीछे का लोकेशन जो है उधर का रास्ता दूसरी तरफ जाता है, और उधर नहीं चलते हैं, अब चलते हैं ठीक आगे, ठीक सामने बटरफ्लाई पार्क से होते हुए दूसरी तरफ, और उधर जाने के बाद उधर का सीन आप लोगों को दिखलाते हैं। इधर काफ़ी ज़्यादा बांस के पेड़ हैं, और हर तरह के पेड़ इधर मिल जाएंगे आप लोगों को देखने के लिए। तो इधर से जाने के बाद आप लोगों को दिखलाते हैं दूसरी तरफ का नज़ारा, यहाँ चारों तरफ का सीन आप लोग देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से आगे जाने पर भी आप लोग काफ़ी खूबसूरत नज़ारा मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं, और आगे कहाँ चलते हैं, तो जो बटरफ्लाई पार्क है ठीक सामने आप लोग देख सकते हैं, ये रहा बटरफ्लाई पार्क, और यहाँ से फिर चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ जाने के बाद से आप लोग दिखलाते हैं, काफ़ी अच्छा लगा अभी तक यहाँ तक आने के बाद। तो देखिए आगे जैसे हम लोग आए हैं पार्क के पास, तो ये जो ठीक सामने आप लोग फूल देख सकते हैं, इसके बगल में है बटरफ्लाई पार्क। तो उधर से आने के बाद इधर चलते हैं, और इधर आप लोगों को सबसे ज़्यादा पक्षी मिलेगा देखने के लिए, कौन सा पक्षी चलिए देखते हैं, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से इधर पक्षियों का भी चित्रण किया गया है, जो कि आप लोग देखेंगे इस रास्ते पर। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा दूर है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हरे रंग के पर्दे का वहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ से चलते हैं। यहाँ बगल में आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इधर चाइनीज बम्बू मिल जाएगा देखने के लिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। नारियल का पेड़ भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और इस पार्क में। और देखिए यहाँ पर कौन सा जानवर
है, हर तरह के तस्वीर इधर लिखे गए हैं, तस्वीर भी दिखाया गया है। इस रास्ते मिलेगा, देख सकते हैं वहाँ पर जो कि दाना चुन रहा है, और एक यहाँ ये पिकॉक और के जैसा दिख रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसा कॉक होता है वैसा ही है, और देखिए हर जगह। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले तो इधर मिला ही, और आगे चलते हैं। वाइट कलर के कबूतर और मिलेगा देखने के लिए। ये थोड़ा सा जंगल है बगल में, रास्ते के बीच में भी बना दिया गया है जंगल, और आगे जो है आप लोगों को ये सब देखने को मिलेगा जो कि सबसे अच्छा लगेगा। इधर से भी देख सकते हैं चारों तरफ, और भी काफ़ी खूबसूरत भी है। यहाँ पर देखिए जो कि कबूतर वाइट कलर के और ब्लैक कलर के दोनों कबूतर हैं इधर, और ब्लैक वाइट दोनों मिक्स के कबूतर भी हैं। दाना चुन रहे हैं, दाना हमेशा इन लोगों को खाना दिया जाता है। अब चलिए यहाँ से चारों तरफ देख सकते हैं। अब आप लोगों को दिखलाते हैं वाइट कलर का मोर, देख लीजिए यहाँ पर वाइट कलर का मोर, और ग्रीन कलर का आप लोगों ने गांव में भी देखा होगा, लेकिन वाइट कलर के आप लोग बहुत कम देखे होंगे। चलिए वाइट कलर का देखते हैं। यहाँ पर भी पी फाउल है, पी फाउल के नाम से जाना जाता है, जैसे कि मोर के जैसा ही है, तो मोर आप लोग समझ सकते हैं। तो इधर मोर भी देख लीजिए, देखिए इधर मोर कितना, जो कि ये खुले आसमान के नीचे नहीं है, पिंजड़े में है। खुले आसमान के नीचे देखना है तो जंगल में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जंगल में गया था अपने गांव के पास में, बहुत ज़्यादा मोर मिले उधर देखने के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए मोर सोते हुए, अभी सोए हुए हैं ये सब। तो आगे चलते हैं, इधर भी चित्र भी बनाया गया है जो कि देख सकते हैं। यहाँ पर जो जानवर जिस पिंजरे के पास बंद है उस हिसाब से पत्थर का चित्र भी बनाया गया है कि लोग देखकर इधर समझ जाए कि इनका रियल का है जो इस साइड में। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो अभी मैं आप लोग को दिखलाया पिकॉक, और काफ़ी ज़्यादा इधर मोर भी है, जो कि मोर का जो है यहाँ पर पत्थर का चित्र बनाया गया है। वहाँ पर से आप लोग इस तरफ जाएंगे तो केवल आप लोग को मोर देखने को मिलेंगे, वाइट कलर के और ग्रीन कलर के मोर, जो कि आप लोग को जाए आगे जाने के बाद आप लोग को यहाँ से काफ़ी अब एलिफेंट के लोकेशन पर आ चुके हैं, और यहाँ से आप लोग को एलिफेंट देखने को मिलेगा। तो अभी बटरफ्लाई और पिकॉक सभी आप लोगों ने देखा, अब चलते हैं आगे। आगे जाते हैं उसके बाद से देखते हैं क्या मिलता है, और वहाँ पर सारी जगह दिखलाएंगे। तो आगे चलिए देखिए, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि क्या मिलता है, और उधर का सीन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। चलिए बन रहे हैं हमारे साथ इस वीडियो में, और वीडियो पूरा देखिएगा। तो इधर है पीकॉक और पीहेन, मोर मोरनी को देखने के बाद वाइट और ग्रीन। आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं हाथी को, क्योंकि दो हाथी हैं इधर और इस तरफ। तो चलिए देखते हैं कि हाथी कैसा है, लेकिन लगता है यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुका है। दूसरी साइड से चलते हैं, दूसरी साइड से दिखलाते हैं। इधर आप लोगों को देख लीजिए, यहाँ पर से दो हाथी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन यह दोनों हाथी भूखे हुए हैं और खड़े हुए हैं, जो कि रियल में आप लोग हाथी गांव में भी देखेंगे। मैं रियल में हाथी अपने गांव में भी कई बार देखा हूँ। और यहाँ पर भी जो इस पार्क में देखने का उतना ज़्यादा खुशी नहीं हो रहा है जो कि गांव में देखने से मिलता है। यहाँ पर जंजीर से बांधा गया है उन दोनों का पैर। ये चारों तरफ का सीन आप लोग देख सकते हैं, और चलते हैं आगे। आगे ब्रिज है, ब्रिज को पार करने के बाद हम निकले हैं यहाँ से, और देख सकते हैं इधर पानी लगा हुआ है।
तो ब्रिज के पार आ चुके हैं और अभी आप लोगों को दिखलाते हैं कितना ज़्यादा इधर ये क्रोकोडाइल एरिया, जो कि इधर क्रोकोडाइल आप लोगों को नहीं मिलेगा देखने के लिए, क्रोकोडाइल आप लोगों को दूसरी तरफ मिलेगा। मगरमच्छ तो बना दिया गया है, इसमें होंगे लेकिन है नहीं इस टाइम पे, पता नहीं किधर है, आगे जाने पर ही मालूम चलेगा। तो आगे चल के आगे आप लोगों को दिखलाते हैं इस तरह के पानी लगे हुए इस तालाब में एक भी क्रोकोडाइल नहीं मिला देखने के लिए। ये चारों तरफ आप लोग देख ही सकते हैं, और इधर मिलेगा क्रोकोडाइल, चलिए खोजते हैं, और उधर जाने पर भी आप लोगों को दिखलाते हैं पूरा सीन इधर का, जो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये देखते रहिए और इंजॉय कीजिए हमारे इस वीडियो पर। जो लोग पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, हर तरह के लोकेशन देखने के लिए कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। मिलेंगे आप लोग से अगले नए वीडियो में, वीडियो देखते रहिए, धन्यवाद।